जनरल विपिन राउत परलोक सारा देश स्तब्ध हो जाएगी। आज शव संस्कार होगा जाता बेले प्रति 17 तोप सालामी दिजा सह शव संस्कार में जोगदेव 800 सेना कर्मचारी। आज अपराह दुईटे दिल्लीर कामराज मार्ग बासभवन श्मशान अभिमुखे बाहरी जा शवजात्रा। भारतर प्रथम सीडीएस जनरल विपिन राउत और पत्नी मधुलिका शवजात्रा बाहरी सारी। संध्या 5टा समय रे पूर्ण सामरिक मर्यादा सह शव संस्कार करा जिवो। प्रोटोकॉल अनुसार जनरल राउत को 17 तोप सालामी दिया जिवो एवं 800 सेना कर्मचारी शव संस्कार रे जोग देबे। तांको परिवार लोके चितारे अग्नि संजोग करिवे। तांको शव संस्कार व्यवस्था करुछंती 5/11 गोरखा राइफल। प्रथमे जनरल राउत एही यूनिट रे शामिल होइतिले। आज सकाळु अनेक विशिष्ट व्यक्ति कामराज स्थित राउत को बासभवन को जाई श्रद्धांजलि अर्पण करिछंती। सेमानक मध्यरे अछंति गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी जातीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, दिल्लीर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, वरिष्ठ कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्वतन प्रतिरक्षा मंत्री एके आटोनी एवं उत्तराखंडर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जनरल राउत और मधुलिकांकर दुई कन्या कृतिका और तारिणी मध्य पितामाता शेष सम्मान प्रदर्शन करते। बुधवार दिन तमिलनाडु में सेना हेलिकॉप्टर दुर्घटना रे सीडीएस जनरल राउत एवं आउ 12 जनकर मृत्यु विषय रे कल्पना जल्पना न करबा को भारतीय वायुसेना ट्वीट करी निवेदन करिछि। ट्वीट करी वायुसेना लिखिछि जे दुखद हेलिकॉप्टर दुर्घटनार कारण विषय रे तदंत करबा लागि भारतीय वायुसेना 3 सेवा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठन करिछि। अति शीघ्र तदंत प्रक्रिया आरंभ होइजिवो एवं घटनार प्रकृत कारण होय त सामना को आसी जाय पारे केउ कारण जोगु एभली दुर्घटना घटितला। ब्युरो रिपोर्ट, ओडिसा भास्कर। लॉकडाउन जोगु मोबाइल टीवी संगसाथी आपणक पिलाटीर पाठपढ़ा और भविष्य को नष्ट करिछि कि तेबे आज ही पीएससी गुरुकुल बोर्डिंग स्कूल रे एडमिशन करंतु जेउठी पाठपढ़ा रहिबा खाइबा सामग्रिक विकास सुविधा उपलब्ध करंतु जहाँ पुणी मासकु मात्र 5,969 टंका रे।